वापस अब मैं आ रखा हूँ मसूरी स्टैम पे, एंड स्नोफॉल का ना पूरा मौसम बना हुआ है खतरनाक वाला, और जो ओले होते हैं ना वो पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं, और आप लोग साउंड सुन सकते होंगे। अभी तो जस्ट मैं पहुँच ही हूँ, एंड बहुत क्लासिक मौसम है, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है कसम से। आप लोग सुन लो आवाज़, ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं स्नो के लिए, एंड अभी ना मैं जेब से हाथ भी नहीं निकाल रहा हूँ, जेब में हाथ रखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और इस मतलब होली भी पड़ना स्टार्ट हो गए एंड मैं भीग जाऊँगा, तो सोच रहा हूँ कहीं पर रुक जाऊँ, तो फटाफट से कहीं रुक जाते हैं। मज़ा आ रहा है गाइस एकदम चिल्ड वाला, एंड अभी मैं मॉल रोड के अंदर हूँ। गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं झूलागर, एंड इसके बाद हम लोगों को आगे जाना है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एकदम ठंडे में, और जगह जगह ना आग जला के लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा, बट अभी तक ना बारिश सही हो रही है। तो गाइस मैं आज व्लॉग बताऊँ क्यों कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद में व्लॉग कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्यों मेरे साथ कुछ ना आजकल सही नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से बहुत टाइम हो गया है मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ बहुत ख़राब हो रही है, और भगवान करे जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ ना हो। एंड गाइस अपनी जगह आके ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि अपनी जगह जहाँ आप लोग पले बड़े हो बड़े हुए हों वहाँ पर आप रह रहे हो, वहाँ पर आप जा रहे हो काफ़ी टाइम बाद, तो आप लोगों को वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, जैसे कि इस टाइम पे मेरे को ये सारा नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो गाइस आप लोगों को ना यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, ये जो मॉल रोड है आप लोगों को यहाँ पर ना हर एक चीज़ मिल जाएगी, हर एक चीज़ की शॉप मिल जाएगी, एंड आप लोगों को होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे यहाँ पे स्टे करने के लिए एंड खाने पीने के लिए, और मेडिकल वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल रहता है, एनी टाइम आप लोग आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि आप लोग आओगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पर रहने का दिक्कत परेशानी। हाँ 1500 रुपीज़ में आप लोगों को एक रूम मिल सकता है, एंड अगर आप लग्जरी देखना चाहते हो तो फिर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, 7-8 हज़ार 10 हज़ार इतना इतना हो जाता है। ऐसे हमारे यहाँ 5-स्टार होटल्स वगैरह भी हैं जिसमें हमारा GP होटल आ जाता है, सोए होटल आ जाता है, JW होटल आ जाता है, ऐसे बहुत सारे होटल हमारे यहाँ 5-स्टार हैं। एंड गाइस आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्त है, और कुछ टाइम पहले ये बना है, उससे पहले यहाँ पर नहीं था, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ना फोटोज़ वगैरह खींचते हैं, तो तुम्हारा वैसे जो मसूरी का मेन पॉइंट है ना उसको, जैसे कि देहरादून का हो गया क्लॉक टावर जो मेन पॉइंट है, ऐसे ही हमारे यहाँ का एक मेन पॉइंट है जिसको हम लोग लाइब्रेरी चौक बोलते हैं, एंड आप लोगों को दिखाता हूँ मैं लाइब्रेरी चौक। सो गाइस हाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग मसूरी में विजिट करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हो आज 25 जैन, एंड हम लोग अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई एंड अंधेरा हो गया, तो कैमरे में कुछ ज़्यादा सूट नहीं होगा, एंड मैं हूँ अभी लबासना के गेट पे, आप लोग देख सकते होंगे।